फाइनली हम करने वाले हैं। और अभी देखो प्रिया अपने बाल दिखा रही है क्योंकि वो पूरे बालों का वॉश और क्या बोलते हैं स्ट्रेट सब करा के आई है, ऐसे तो प्यारी लग रही है। तो अभी हम करने वाले हैं मेकअप। ब्राइडल डिपेंड्स करता है कि क्या ड्रेस रहेगा उस हिसाब से, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज यहाँ लग चुका है मेकअप का सामान, आप देख सकते हैं सारी पैलेट्स लगा दी हैं प्रिया ने। और प्रिया सबसे पहले क्या करने वाले हो? सबसे पहले तो उसको हम फेस पे प्राइमर करेंगे, स्किन को देखेंगे। यस, उसके अकॉर्डिंगली बेस। मैं सुबह चमक रही हूँ, तुम क्या चक्कर है? हाय शर्मा गई। क्या क्या नाम दिया था आरव ने तुम्हें? लाजवंती। लाजवंती शर्मा गई हमारी। हाय देखो सुनो, देखो लाजवंती ने बहाने से नेल्स भी दिखाए अपने, कितने ब्यूटीफुल नेल्स हैं लाजवंती के। वैसे तुम्हारी ना पर्सनालिटी पे लाजवंती सूट नहीं कर रहा है। तो आरव को बोलना थोड़ा मॉडर्न नाम चिपकाए तुम्हें, है ना? बोलना पड़ेगा। तो गाइज सबसे पहले सीरम, मतलब फेस को जो भी है मॉइस्चराइज कर लेंगे अच्छे से, ताकि बेस हमारा बाद में फटे ना हो, जो फट फट जाता है राइट ना, उसी लिए करते हैं ना, पोर्सेस हमारे उससे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कलर बार का सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो मैं अच्छे से इसको अपनी स्किन पर लगा लूँगी, अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए ताकि मेरा चेहरा। तो गाइज अभी हम यमी को कॉल कर रहे हैं, प्रिया का नंबर उसके पास है नहीं और प्रैंक कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तुम पिहू ही बोलना क्योंकि इसमें पिहू आता है। हाँ फयाज, ठीक है देखते हैं वो पहचानता है कि नहीं। वैसे मुझे लगता है पहचान जाएगा। देखो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई पीयू पीयू कर दे। यम्मी के नंबर से नंबर देखा था, पीयू पीयू। कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। कब आ रहे हो? बहुत टाइम है, तब तक तो आ जाओ इधर ही। से मामा से आज पता था पीयू पीयू आ रही है। जिम विम क्या करोगे? आप यही वर्कआउट करना, हम वीडियो बनाएंगे। पोपट हो गया पीयू पीयू, समझ गया वो। नहीं बोल रहे थे मैं पीयू पीयू लिख के आ रहा था तुम्हारे नंबर पे, पहचान लिया। क्या करें, अभी उसने हमको पहचान लिया है जिससे हमारा पोपट हो चुका है, स्पेशली मेरा। मैं फेमस हूँ पीयू पीयू के नाम से। वन सेकंड। तो गाइज यहाँ पर हो चुका है मेरा मेकअप स्टार्ट, और सबसे पहले प्रिया आई मेकअप करेगी, क्योंकि आई मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और सबसे ज़्यादा जो लुक निकल के आता है वो आई मेकअप से ही आता है। तो ये कुछ ब्राइडल टाइप का आज मेरा मेकअप हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैंने एक न्यू लहंगा बनवाया है, जो किसी की शादी तो हो नहीं रही, मैं शादी में नहीं पहन पाई, तो मैं आज पहनने वाली हूँ। और अब इसने बेस किया, कटिंग करी है, और अभी काजल, और बीच बीच में अपने फ़ोन कॉल्स भी हम लोगों ने देख लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो गाइज अब लग रही हैं आई लैशेज, और आई लैशेज लगने के बाद पूरा लुक निकल के आता है। और अब बची है बस लिपस्टिक, और यहाँ पर लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं पहनूंगी फाइनली अपनी ड्रेस। तो गाइस ये देखो मैं रेडी हो चुका हूँ, और इधर प्रिया। हाँ। प्रिया की हालत देखो बेचारी, कब से मेरे को लग रहा है थक गई मेरे को ऐसे हो रहा है। थकना क्यों? देखो मस्त बाल कर्ल हुए है, देखा? ये मैं कभी नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि ये बहुत हैवी काम है, मेरे बस की नहीं है। रेडे बहुत अच्छा रहा। वाह ये मुंह घुमा जल्दी घुमा घुमा। हम क्या करना ना, आप अटेंशन पे ध्यान दो। हाँ। हम ऐसे करके जब ये लेके आएंगे ना नीचे, तो आपको अगर ना ऐसे थोड़ा सा नजाकत दिखाते हुए ना है, तो जो भी कंफर्टेबल आपका टर्न है, चाहे वो राइट है, जैसे उधर की तरफ शूट करो, तो आप उधर की तरफ हल्का सा ऐसे पूरा बॉडी मूव कर लेना,
लाइक यू ठीक है, और चाहो तो आप ऐसे फॉरवर्ड पैसे करके यूज करके भी कर सकते हैं. ठीक है ठीक है समझ गए. यस तो दूसरा डी होगी ठीक है क्योंकि लाइट देनी होगी हमको. देखो भाई मैं व्लॉगिंग अपना पूरा इधर रेडी हुई हुई हूँ और इन दोनों को देखो ये अपना ही फोटो सेशन कराया जा रहे हैं, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे कुछ करने का. तो ये निकल के आया है गाइस मेरा फाइनल लुक. के फ्री हुए हैं, मतलब फ्री भी क्या हुए हैं, बनाना तो बहुत कुछ था बट हिम्मत नहीं आ रही, गर्मी हो रही है. और इधर देखो प्रिया बैठी है. ओह गॉड प्रिया थक गए ना. यस बहुत थक गए भाई, इसके तो हेडेक होने लग गया बेचारी के. चलो फिलहाल ये पहन लिया है, फुटेज ले ली है, देखते हैं कैसा आता है एडिट वगैरह करके, फिर आपसे मिलेंगे. जाके देख लो इंस्टाग्राम पे डाल दिया है.